तो दोस्तों ये बाइक देख पा रहे हैं, इसको हमने मॉडिफाई किया है और इसका वीडियो भी हमने डाला है। अभी फिलहाल इसका रिव्यू दे देंगे। 3 महीना पहले ही इसका मॉडिफाई किया था, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया था और उसी का जो है व्हील में एक स्टिकर बना रहे हैं जो कि काफ़ी यूनिक है। तो फिलहाल यहाँ पर आपको दिखा रहे ये स्टिकर है और ये हमने कंप्यूटर में बना लिया है। और इसका ये जो देख पा रहे हैं यहाँ पर, इधर लाओ इसको थोड़ा सा, ये जो देख पा रहे दोस्तों, तो इसी टाइप से ये लगेगा। और इसका साइज क्या है यहाँ पर आपको बताएंगे। ऊपर उठाओ थोड़ा सा और ये हटाओ ये वाला। हाँ, राउंडिंग जो है इस 15.5 इंच का होगा और ये इसका गैपिंग जो होगा वो 13 इंच का होगा। और यहाँ पर हमने यहाँ पर रेड में कट कर रहे हैं, उसके बाद फिर बहुत आराम से उसको वहाँ पर लगा देंगे। तो जब तक ये कट हो रहा है, आइए उस बाइक का हम आपको रिव्यू दिखाते हैं जो हमने मॉडिफाई किया था। लगभग 3-4 महीना हो गया और कैसा रहा मॉडिफाई, ये आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो देख पा रहे हैं ये 220 बाइक पल्सर की, और यहाँ से आप सामने इसका लुक देख पा रहे हैं कितना ज़बरदस्त लग रहा है, बहुत ही यूनिक लग रहा है। इसका व्हील में सिर्फ हमने नहीं दिया था, तो व्हील में फिलहाल यहाँ पे लगा देंगे। तो हम क्या मॉडिफाई किए थे ये आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले तो ये आप स्टिकर देख पा रहे हैं, ये स्टिकर को हमने यहाँ पर बनाया था अलग से। और दूसरा इसका जो आप यहाँ पर देख पा रहे ये जो चीज़ है, ये स्मोक ब्लैक है जो कि हमने यहाँ पर लगाया है, और साथ में यहाँ पर गोल कट के किया है, और ये लगाया है और ये लगाया है, और इसको जला दे तो। और यहाँ पर एक रिंग लाइट लगा हुआ देख पा रहे हैं, ये काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और ये जो है रेड लगा हुआ है जिसकी वजह से ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसमें भी एक आई का यहाँ पर इस टाइप का डिज़ाइन बनाएंगे जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लगेगा। और दोस्तों इस बाइक में ये जो आप देख पा रहे हैं ये सब में हमने जो है रेड किया है, जिसकी वजह से ये अच्छा लग रहा है। ये मॉडिफाई हमने दिया था, आप लोगों ने यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया इस बाइक को। तो दोस्तों ये जो बाइक है ये 180 था और इसको हमने 220 बनाया है। आप देख पा रहे हैं ये सारा जो स्टिकर है बॉडी का जो भी है, ये सारा कुछ हमने चेंज करके यहाँ पर जो है 220 का स्टिकर लगाया। देख पा रहे हैं यहाँ पर स्टिकर 180 का है, लेकिन ये बाइक का जो है पूरा स्टिकर को जो चेंज किया हमने वो 220 का किया है। 180 में शायद ये स्टिकर नहीं था ना, उसमें क्या था? हाँ, उस 180 में दोस्तों एकदम नॉर्मल रहता, प्लेन रहता है, लेकिन यहाँ पर हम 220 का स्टिकर इसको लगा करके ये बाइक को किए थे। हालांकि बहुत दिन हो गया, हमको थोड़ा सा ध्यान नहीं था इसलिए नहीं बता पाया। आप देख पा रहे इसका सामने का लुक काफ़ी अच्छा। ये बाइक है 180 है, लेकिन इसका जो बना दिए हम तो ये 220 देखने में लगने लगा, और हम 220 आपको बता भी रहे थे, लेकिन ये 220 नहीं है, ये 180 है। इसका व्हील में पहले से जो स्टिकर दिया हुआ है इसको हम हटा देते हैं इस तरह से हैं, उसके बाद फिर आपको फाइनल बताते हैं। दोस्तों ये जो अभी आपने हेलमेट देखा है इसका अलग से स्पेशल वीडियो हमने बना दिया है। ये हेलमेट भी इसी बाइक का है, और हेलमेट कैसा था वो आपको हम शुरू में दिखा चुके हैं कि हेलमेट कैसा था, इसको हमने कैसे मॉडिफाई किया है। और इस बाइक में देख पा रहे सारा कुछ जो है अलग से कस्टम लगाया गया है। ये इंडिकेटर भी अलग से लगाया गया है येलो कलर का, ये सब चीज़ देख पा रहे हैं। और ये वाइजर वगैरह है, और ये देख पा रहे ये भी अलग से। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इसका जो सीट है इसको भी कस्टमाइज किया गया है। 180 का सीट ऐसा नहीं आता है, 220 का सीट अलग से, इसको भी थोड़ा सा नीचा आता है, इसको थोड़ा सा मतलब हाइट करके किया गया है, थोड़ा सा इसको बाइक को थोड़ा अलग लुक दिया गया, देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पर देख पा रहे हैं पल्सर का टैंक का स्टिकर जो है, ये लगाने से क्या होता है कि इसका जो अंदर का जो कलर है ना वाइट वाला, ये बहुत जल्दी निकल जाता है। इसको लगा देने से क्या होता है कलर आपका सेव होता है। हालाँकि कई वीडियो में हमने दिखाया है कि कलर कैसे निकल जाता है, उसको हमने जो है स्प्रे पेंट से हम उसको मैनेज करते हैं, तो ये सब चीज़ जो है लगा देने से वो सब सेफ रहता है। तो फटाफट हम व्हील में लगा करके फाइनल इस बाइक का लुक आपको दिखाते हैं। फिलहाल ये हेलमेट का एक झलक देख लीजिए, ये काफ़ी अच्छा मॉडिफाई हुआ है। ये पहले कैसे था एक झलक आपको यहाँ पर दिखा भी देंगे, देख लीजिए काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है इसका लुक। इस साइड से भी देखिए, और इस साइड से भी आप देख लीजिए इसको, तो दोस्तों ये बाइक जो कस्टमाइज़ किया गया है आप देख पा रहे हैं, आपको कुछ इसमें कुछ अलग लग रहा होगा। ये जो आप देख पा रहे हैं ये नीचे वाला, ये R15 का है, और ये इस बाइक में नहीं रहता है, लेकिन उसको अलग से फिट किया गया है। यहाँ पर देख पा रहे हैं एक नट है यहाँ पर, इसको लगाया गया, और यहाँ पर दोस्तों नंबर प्लेट रहता है, जो कि नंबर प्लेट को यहाँ पर लगा दिया गया है। और नंबर प्लेट को कैसे लगाया गया है, ये जो वाइजर है देख पा रहे हैं, ये वाइजर भी महंगा वाला वाइजर है, ये मतलब स्टैंडर्ड है और अच्छा क्वालिटी वाला, क्वालिटी का वाइजर है, कोई लो क्वालिटी का नहीं है। और उसी का जो छेदा होता है यहाँ पर देख पा रहे हैं ये वाइजर लगाने का, उसी जगह पर जो इसको क्लेम लगा करके टाइट कर दिया गया है। और ये जो देख पा रहे हैं ये भी इम्पोर्टेंट है, जो भी इसमें सामान लगाया है दोस्तों सारा इम्पोर्टेंट है, काफ़ी अच्छा है। इसकी वजह से ये बाइक का लुक थोड़ा सा बहुत अलग हो जाता है। हमारे शहर दुमका में ये बाइक 1 पीस है दोस्तों, क्योंकि इसका जो मॉडिफाई है इसको हम ही किए हैं। और इसका लुक भी आप देख पा रहे हैं साइड का स्टिकरिंग का, वो भी काफ़ी अच्छा है।
180 का बाइक को 220 बना दिया गया है स्टिकर की वजह से, और बहुत सारी चीज़ जो है कस्टमाइज किया गया है, इसके वजह से ये बाइक बहुत ही खूबसूरत लगती है। देख पा रहे हैं एक साइड का लग गया है और दूसरा साइड का जो है दूसरा जो बीट लगा रहा है, तो उसके लिए 13 इंच का जो है बीच में गैपिंग है, तो इसलिए इंची टेप से तो है 13 इंच का नाप ले करके यहाँ पर जो है दाग दे दिया जा रहा है और इसके बाद ये लगेगा। ये 13 इंच का जो गैप है वो 13 इंच का गैप के बाद से ये दिया जा रहा है, और ये जो डिज़ाइन हमने बनाया दोस्तों ये काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। देख पा रहे हैं उस साइड हमने लगाया है, बहुत ही यूनिक लग रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है ये वाला डिज़ाइन। देख पा रहे हैं वहाँ से जो हमने 13 इंच का नाप लेकर के जो ये लगा रहे हैं, और ये नीचे आते आते नीचे का जो भी गैपिंग होगा वो भी 13 इंच में ही आकर के रुक जाएगा, बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा देखने में। ये बाइक का जो रेड स्टिकर है दोस्तों, इसकी वजह से जो है ये व्हील का जो हमने रिबन बनाया है ये भी काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही यूनिक, लाजवाब, ज़बरदस्त। देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा है, और सेम चीज़ जो है इस साइड भी लगेगा, उसके बाद ये बाइक कंप्लीट हो जाएगी। उस बार आपको ओवरव्यू दिखा देंगे फाइनली, और इधर भी लग जाएगा, उसके बाद एक बार आपको इसका व्यू दिखा देंगे। दोस्तों देख पा रहे हैं इसका व्हील कंप्लीट हो गया है, काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी यूनिक, काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है। इस साइड का भी देख पा रहे हैं, ये व्हील का जो डिज़ाइन है इसके वजह से ये बाइक जो है एकदम ज़बरदस्त यूनिक स्टिकरिंग के साथ आया, और इसका हेलमेट आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लगा हुआ है, ये भी हमने मॉडिफाई किया है, और इसका जो है स्पेशल वीडियो हमने बनाया है एक अलग से जो मेरे चैनल पे अपलोड है। आप लोगों ने नहीं देखा तो देख लीजिए हेलमेट कैसा था, इसको हमने कैसा मॉडिफाई कर दिया है, एकदम पुराना हेलमेट था अभी आपको बिल्कुल न्यू देखने में लग रहा है। यहाँ पर इंस्टा आईडी भी हमने लगा दिया है, और ये बाइक का एक नज़र देख लीजिए, एक लुक देख लीजिए इधर से, इसके बारे में हमने पूरा डिटेल्स आपको बता ही दिया है कि ये बाइक में क्या क्या कस्टमाइज़ किया गया है, क्या क्या मॉडिफाई किया गया है, काफ़ी खूबसूरत है। जो भी इसमें पार्ट्स देख पा रहे, जो भी अलग से कस्टमाइज़ किया हुआ एसेसरीज देख पा रहे दोस्तों, वो अलग से लगाया गया है, लेकिन वो इम्पोर्टेंट है, और वो कोई फुटपाथी जो है सामान नहीं है, वो ब्रांडेड है, सारा चीज़ ब्रांडेड चीज़ लगाया गया है, और ये बाइक काफ़ी खूबसूरत लग रही है इसके साथ ही। तो आई होप दोस्तों ये हमारा मेहनत, ये हमारा वीडियो आपको अच्छा ज़रूर लगा होगा, अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करके फॉलो कर दीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं हम किसी अगली वीडियो में किसी अच्छी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।